आपके जो डिफाइन मस्कुलाइन है उसको बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है इस टाइम, क्योंकि डीएम का एक बहुत ही बैड हैबिट है, वो सोल का नहीं सुनते, वो बिल्कुल भी सोल का नहीं सुनते, दिमाग का यूज़ करते हैं और इसलिए बार बार यूनिवर्स उसे दर्द देते हैं। वो 3D लाइफ में ज़्यादातर ज़्यादा रहना चाहते हैं और उसका काम है यूनिवर्स पे आके, धरती में आके स्पिरिचुअल ग्रोथ करना। ये वो भूल जाते हैं और 3D लाइफ में बिजी हो जाते हैं, आपको इग्नोर करते हैं और सोल का नहीं सुनते, इसलिए यूनिवर्स इंटरवेंशन करते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी में, स्ट्रगल में डीएम को फेलते हैं। ठीक है, डीएम को ये पता, एवेकेंट जो डीएम है वो भी यही करते हैं, एवेकेंट डीएम जो है वो भी यही करते हैं, 3D पैसे फैमिली के चक्कर में सोल का नहीं सुनते, ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होंगे ज़िंदगी में उसको। जो कार्मिक के लिए भी वो जी रहे हैं ना, वो कार्मिक के लिए भी जी नहीं पाएंगे, वो जानते ही नहीं है ये, क्योंकि वो खुद का नहीं सुनते, वो खुद सोल सर्च नहीं करते हैं। ठीक है, वो पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा धीरे 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 करके उसके हाथ से निकल जाएंगे। एबंडेंस जो है, ग्रोथ जो है, फाइनेंशियल जो है, बा जो भी काम करते हैं, बिजनेस हो, जॉब हो, सब कुछ छूट जाएंगे। वो समझते ही नहीं है, उसके 3D लाइफ अच्छे लगते हैं, कार्मिक लाइफ अच्छे लगते हैं, बट रहेंगे नहीं कोई जब तक वो स्पिरिचुअल हाथ नहीं पकड़ेंगे और आपके हाथ नहीं पकड़ेंगे। सब कुछ तभी ठीक होंगे जब वो आपके हाथ पकड़ेंगे। तो जो जो एवेकेंट डिवाइन मस्कुलाइन आप सुन रहे हो, इस बात को गौर करो, नहीं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं है, आपके लाइफ और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा ड्रेन होते जाएंगे आपके कार्मिक लोग जो भी सराउंडिंग है उसके साथ। डीएम ये नहीं समझ पा रहे हैं उसके जो चारों तरफ कार्मिक लोग हैं वो एनर्जी साकार है, वो उनके ग्रोथ का कोई भी ग्रोथ ना उसके होंगे ना जो जो लोग हैं उसके होंगे, कभी भी नहीं होंगे जब तक वो फेमिनाइन का हाथ नहीं पकड़ते। ये जर्नी ऐसे है जैसे फेमिनाइन, देखो फेमिनाइन जब तक उसको चाहते रहेंगे, जब तक एक ही वे में ऑनेस्ट रहेंगे, यूनिवर्स उसका हाथ पकड़ के रहेंगे। ऐसे हरकत फेमिनाइन भी करेंगे तो यही होंगे, बट फेमिनाइन ऐसे नहीं करते, ज़्यादातर ज़्यादा जो ट्रू फेमिनाइन है वो नहीं करते, बट मस्कुलाइन करते हैं। जो अनएवेकेंट है वो भी करते हैं, जो एवेकेंट है वो भी करते हैं। क्या करते हैं, ये लाइफ, ये कंट्रोलिंग होता है, मेरा फैमिली को मैं चलाऊंगी, मेरे वो को वो चलाऊंगी, वो ये नहीं जानते हैं जिसको आप चलाना चाहते हो वो आपके साथ चलना ही नहीं चाहते, सिर्फ आपके पैसे के लिए रुके हुए हैं। कोई भी बच्चे हो, बड़े हो, बुज़ुर्ग हो, जो भी है पैसे के लिए टिके हैं और वही पैसा आपको भगवान छीन लेंगे, तब वो तो आपके साथ ऐसे भी नहीं रहेंगे। और जिसके साथ आपका आत्मा जुड़े हुए है, एक सोल है, वो सोल आपके लिए सांस नहीं ले पा रहे क्योंकि एक ही आत्मा है, आप उसको छोड़ रहे हो तो आपके सब कुछ छूट जाएंगे। मस्कुलाइन को बोल रही हूँ, जो जो एवेकेंट है सुन रहे हो, एवेकेंट हो अनएवेकेंट हो, ये मैं नहीं, ये ट्रूथ है, आप मेरा वीडियो नहीं, ट्रूथ को सर्च करो, ट्रूथ को सर्च करो, सब कुछ अभी भी बाकी है आपके लाइफ में, ठीक हो जाएंगे, नहीं तो बर्बाद कर देंगे यूनिवर्स, एंजल्स, स्प्रिट्स का है, क्योंकि आप जितने भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, फैमिली को भी, आपका फेमिनाइन को, आपका फेमिनाइन को तो आप डोमिनेट करके रखते हो, ठीक है, बिल्कुल भी मत करो, आप किसको डोमिनेट करके रख रहे हो, प्रकृति को, फेमिनाइन प्रकृति है, प्रकृति ही मर जाएंगे तो सांस कैसे ले पाओगे, पाएंगे ये धरती, सब लोग प्राणी है ना, तो मत करो, आपको लग रहा है पैसा सब कुछ है, पैसा यूनिवर्स छीन लेंगे आपसे, ये 100 नहीं, 1000 नहीं, करोड़ % गारंटी है, अभी भी वक्त है, संभालो खुद को। आप समझ रहे हो, आप बहुत माइंड गेम खेलते हैं, जो भी डिवाइन मास्कुलाइन है बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलते हैं, घर को भी साथ रखो, फेमिनाइन को भी साथ रखो, यूनिवर्स ही नहीं करेंगी, ये खेलने के लिए आपको नहीं भेजे हैं, दोनों को ही साथ रख के चलोगे, नहीं, आपको स्पिरिचुअल होने के लिए भेजे हैं। ठीक है, बहुत दिन हो चुके हो, घर में रह चुके हो, अभी
स्पिरिचुअल जर्नी करने के लिए फेमिनिन को भेजे हैं, और ये डिवाइन प्लानिंग है, डिवाइन 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 कनेक्शन है। आप जितने भी कंट्रोल करोगे हाथ से, उतने ही छूट जाएंगे मस्कुलाइन, मेरा प्यारा सा मस्कुलाइन, समझ रहे हो ना? तो आपके ऊपर भी ऊपर वाला है, इतना डोमिनेटिंग छोटे से होते हो आप, इतना कंट्रोलिंग छोटे से होते हो आप, मैं जो बोलूँगी वही करूँगी, मैं जो करूँगी वही करूँगी। मैं मस्कुलाइन एनर्जी और भी ज़्यादा बोल पा रही हूँ, मैं मस्कुलर एनर्जी में ज़्यादा रहती हूँ, ठीक है, फेमिनाइन हूँ, पहले फेमिनाइन थे, क्योंकि मेरा जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो फेमिनाइन एनर्जी में होता है, ठीक है। तो मैं जानती हूँ मस्कुलर एनर्जी बहुत डोमिनेटिंग होता है, इसलिए मैं बैलेंस करती हूँ, जब भी मस्कुलर एनर्जी ज़्यादा हो जाता है मैं बैलेंस कर लेती हूँ, क्योंकि बैलेंसिंग ज़रूरी होता है। जब बैलेंसिंग कर लेती हूँ तो सब ठीक ठाक है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ मस्कुलर एनर्जी ना बहुत रूड होता है, ठीक है, आने नहीं है तो नहीं आना है फेमिनाइन को, पर मस्कुलाइन को जो भी आपका अपोजिट पार्ट है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बट नहीं, दोनों को अगर पूरा फेमिनिन रहोगे तो रोगे धोगे, ऐसे भी नहीं, बैलेंस करके रखो। बट जो मस्कुलाइन सुन रहे हो, फेमिनिन का जितने आंसू गिरेंगे, जितने वो पागल होंगे, यूनिवर्स सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ। वो आपका अर्धांग किनी है, फीमेल बॉडी में हो बा मेल बॉडी में हो, क्यार करो, क्यार करो, ठीक है। क्योंकि उसके अलावा आपको कोई केयर ही नहीं करते, आप खुद जानते हो। आप उसको नहीं केयर करोगे आपके फेमिनाइन को, आपको दुनिया में कोई भी केयर नहीं करेंगे, किए भी नहीं थे, आप खुद जानते हो, इसलिए तो बार बार उसके पीछे आते हो, है ना। मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ, स्विच होता है, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन आपको भी बोल रही हूँ, स्विच होता है, ये स्विच चलते रहते हैं। जब आपके मस्कुलाइन फेमिनाइन में चले जाएंगे आप डिवाइन मास्कुलिन बन जाओगे, जब आप डिवाइन फेमिनिन में बन जाओगे तो वो मास्कुलिन हो जाएंगे, स्विच हो जाता है, ठीक है। बट दोनों बैलेंस जब होते हो, दोनों ही दोनों बैलेंस होते हो, ठीक है। तो डरो मत, सबसे पहले डरो मत, कोई नहीं जाएंगे आपके मास्कुलिन, जाना है तो जाने दो, लौट कर आपके पास से आएंगे, क्योंकि आपका ही अर्धांश है और ये सच है, सो क्लेम इट। नए चैनल पर आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कंसल्टेशन करना है, कोई कुछ डिप्रेशन में हो, कुछ फ्रस्ट्रेट हो, एंग्जाइटी है, हीलिंग करना चाहते हो, काउंसलिंग, हीलिंग, थेरापी, सब कुछ करती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ही मेरा सिर्फ नंबर है, नंबर मैं कहीं पे भी नहीं छोड़ती हूँ, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ही देती हूँ, ठीक है। बहुत सारे हीलिंग लेके आई हूँ, बहुत सारे बहुत ज़्यादा हीलिंग लेकर आई हूँ, नया प्राइस रिजनेबल है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख सकते हो। और आप जुड़ना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ही मेरा सिर्फ नंबर है। तो फिर मैं आती हूँ डिवाइन फेमिनाइन के लिए, मेरा प्यारा सा डिवाइन फेमिनाइन के लिए। डिवाइन फेमिनाइन लो बिल्कुल भी मत हो जाना, क्योंकि देखो ये जो डार्क एनर्जी भी होता है ना मदर यूनिवर्स में, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी भी होता है, डार्क एनर्जी मतलब नेगेटिव एनर्जी, वो चाहेंगे ही नहीं आप ट्विन फ्लेम से एक हो जाओ। बट आप इतना पावरफुल हो जाओ, एक तो होके ही रहेंगे, एक तो होना ही है, और एक क्यों होना है, हम लोग को कुछ एक होना नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक है, ठीक है। डरो मत, डर रहे हो तो ऊपर उठो, लेवल ऊपर उठाओ, नहीं तो काउंसलिंग लो, हीलिंग लो, किसी से भी, ऐसे नहीं है मैं बोल रही हूँ मुझसे लो, मैं बोल रही हूँ सबसे लो, बट लेना ज़रूरी होता है, नहीं तो एक ही लूप में बार बार फंसते रहोगे, ऑन ऑफ सिचुएशन, सेपरेशन, ये वो, ओके। तो आप करो, और क्या है डिवाइन फेमिनाइन, थोड़ा जो एंग्जाइटी है ना, ये आपको इफेक्ट कर रहा है बॉडी में, हेल्थ इशू में, तो थोड़ा गुस्सा थोड़ा कम करो, ओके। मुझे आ जाता है कभी कभार, तो अच्छे नहीं है, तब मेरा डिवाइन मस्कुलाइन मुझे समझाते हैं, इतना एंग्जाइटी अच्छे नहीं है, सही समझाते हैं तब। बट उसका जो कुछ कुछ पॉइंट है वो उसका भी सुधारना है, उसको मैं ये भी बोलती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा सुधर रही हूँ, तू थोड़ा थोड़ा सुधर रहे, तो सुधरने की ज़रूरत ही नहीं है, बट वो सुधरेंगे मुझे, बीच बीच में खुद नहीं करते हैं, बट ना सच्ची बोलो, वो बीच बीच में खुद को जब एक दो दिन बाद समझ जाते बहुत काम है, तो तब वो ठीक हो जाता है, और ठीक होने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एवेकेंट हो चुके हैं, ठीक है। और एक बात, डिवाइन फेमिनाइन कार्मिक से बिल्कुल भी मत डरो,
वो पावरफुल सबसे पहले तो नहीं होते हैं, वो पावरफुल ही नहीं होते हैं, वो यूज़ करते हैं बच्चे के थ्रू, यूज़ करते हैं डिवाइन मस्कुलाइन को, फैमिली के थ्रू यूज़ करते हैं, नहीं तो बोलते सुसाइड कर लूँगी, ये सब बेफालतू चीज़ है। वो यूज़ करते हैं तब तक करते थे जब तक आप आपके डिवाइन मस्कुलाइन के दिल में, लाइफ में एंटर नहीं किए थे। पर जब आ चुके हो ना, उसका जो नेगेटिव एनर्जी है सब कुछ खुल चुका है, ठीक है, ये लड़की बहुत स्ट्रांग है, ये लड़का बहुत स्ट्रांग है, इसको कर ही नहीं पा रहे, वो हजारों टेक्निक, वो हजारों टेक्निक भी कर रहा है ना, कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि पावर फेमिनिन के हाथ में है, ये गॉड गिफ्टेड है, एक गॉड कनेक्शन है, जो तोड़ने आएंगे उसको तोड़ के रख देंगे यूनिवर्स। बिलीव करो, ट्रस्ट रखो यूनिवर्स को, और पॉजिटिव क्लेम कर सकते हो, आपके मर्जी है। ओके, आजकल मुझे भी बहुत ज़्यादा टेलीपैथिकली कनेक्शन हो रहा है मेरा डीएम, ऐसे तो बात होते हैं वो अलग बात है, बट टेलीपैथिकली अलग अलग हाई लेवल का बात होता है, ठीक है। तो आपका भी कोई टेलीपैथिकली बात हो रहा है तो ज़रूर कमेंट्स पे लिखना, और क्या है, जुड़े रहना, गिव अप मत करना, मूव ऑन मत करना, कोशिश कर सकते हो, जब आओगे फिर से मुझे मैसेज करना, ठीक है। तो गाइस वीडियो आज इतने तक, अच्छे रहो, अच्छे सोचो, खुद को प्यार करो, सबको प्यार करो, एनिमल्स को प्यार करो, और यस मुझे भी, है ना। सो टाटा।